इस वीडियो में बात करने वाले आधार कार्ड अपडेट को लेकर। आधार कार्ड की तरफ से एक न्यू वेबसाइट लॉन्च की गई है जिसमें अब नया इंटरफेस दिखाया गया है, जिसमें अब आप बड़ी आसानी से इसमें आधार करेक्शन, ई आधार कार्ड डाउनलोड, पीवीसी आधार कार्ड आप ऑर्डर कर सकते हैं और भी इसमें जो भी करेक्शन है आप बड़ी आसानी से कर सकते हो और इस वेबसाइट में आप लॉगिन वगैरह भी कर सकते हैं ओटीपी के माध्यम से और फ्यूचर में इसमें फिंगर से भी सिस्टम आने वाला है। और इस वेबसाइट का नाम है, जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, myaadhar.uidiai.gov.in है। इसका और भी प्रॉपर एड्रेस हम आपको बता देंगे और इसमें क्या क्या इंटरफेस है, क्या फैसिलिटी, क्या सुविधा है और इसमें अब बड़ी आसानी से एक ही वेबसाइट में सारा कुछ इसमें मिलने वाला है। तो इस वीडियो पे आप कंटिन्यू बने रहे, यानी वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को पूरा देखने के साथ साथ एक लाइक जरूर कर देना क्योंकि एक नया अपडेट है, न्यू वेबसाइट लॉन्च की गई है आप सभी के लिए। इसमें आप सभी को काफी सुविधा मिलने वाली, आधार अपडेट, आधार करेक्शन, कुल मिला के आधार से जो भी सिस्टम सर्विस आप लेना चाहते हैं आप घर बैठे बड़ी आसानी से अपने मोबाइल ऑनलाइन कर सकते हैं इस वेबसाइट के माध्यम से। तो इसको लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको इस तरह से और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो, आधार से जुड़ी अपडेट, बैंकिंग फाइनेंस से जुड़ी अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट दिए जाएंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वेलकम टू माई आधार, योर मोबाइल नंबर इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर विथ आधार टू एसेस वेरियस ऑनलाइन सर्विस। इसमें आप यहाँ पर रजिस्टर मोबाइल नंबर से यहाँ पे अगर आप एसेस करते हैं, लॉगिन करते हैं, इसमें ऑनलाइन सर्विसेज इसमें आपको सारी सर्विस मिलने वाली है। तो यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं, वीडियो पे आप कंटिन्यू जरूर बने रहें। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं इसका यूज़र इंटरफेस बहुत अच्छा लग रहा है पहले के मुकाबले। जो कि पहले वेबसाइट आपने विजिट किया होगा, देखा होगा, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता था, उसका इंटरफेस थोड़ा अजीब सा लग रहा था, कन्फ्यूजन सा लग रहा था आप बड़ी आसानी से। बट इस वेबसाइट में आप बड़ी आसानी से यहाँ सिस्टम देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, डाउनलोड आधार, क्लिक हेयर टू डाउनलोड डिजिटली सिग्नेचर पासवर्ड प्रोटेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉपी इन द आधार, मतलब यहाँ से आप डाउनलोड कर सकती है, डाउनलोड का टैब दिया गया है। दूसरे यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्डर पीवीसी आधार कार्ड, यानी ऑर्डर पीवीसी आधार, आप यहाँ से पीवीसी आधार कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं बड़ी आसानी से। दूसरा है चेक आधार पीवीसी कार्ड ऑन स्टेटस, यहाँ पे चेक आधार कार्ड, जो कि आप जो भी आधार कार्ड में जो पीवीसी ऑर्डर करते हैं यहाँ से आप उसको जो स्टेटस है उसको आप ट्रैक कर सकते हैं कि हमारा आधार कार्ड प्रिंट हुआ, कहाँ तक हमारा पीवीसी कार्ड पहुँचे, इस तरह से यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हैं। इसका काफ़ी अच्छा इंटरफेस आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे चेक इनरोलमेंट अपडेट स्टेटस, मतलब जो भी आप इनरोलमेंट डालते हैं कुछ भी करेक्शन वगैरह, तो वहाँ पे आपको इनरोलमेंट दिया जाता है उसको आप ट्रैक कर सकते हैं, यहाँ से ट्रेस कर सकते हैं, उसका अपडेट आप पता कर सकते हैं घर बैठे इसी वेबसाइट से। उसके बाद यहाँ पे और भी चीज़ दिखा देते हैं आपको क्या है नया। यहाँ पे लोकेट इनरोलमेंट सेंटर, मतलब आधार सेंटर कहाँ पे है आपके नियरेस्ट, आप कहीं भी देखना चाहते हैं यहाँ से आप इनरोलमेंट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं बड़ी आसानी से। दूसरा यहाँ पे दिया गया है बुक एन अपॉइंटमेंट, यहाँ पे आप अपॉइंटमेंट वगैरह भी बुक कर सकते हैं अपना, कहीं भी आप आधार सेंटर पर अपना अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं, चाहे करेक्शन हो या आप न्यू आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं, कहीं बच्चे का हो या बाल आधार हो या कुछ भी अपडेट हो या मोबाइल नंबर लिंक कराना हो, उसके लिए आप अपना अपॉइंटमेंट वहाँ पर बुक करा सकते हैं आधार सेंटर पर। वहाँ पर जाके अपना करेक्शन अपडेट वगैरह आप जाकर डायरेक्ट करा सकते हो क्योंकि आपके पास ऑलरेडी अपॉइंटमेंट बुक रहेगा, तो आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप उसी टाइम पे जाकर अपना अपॉइंटमेंट बुक नंबर जो होता है दिखाकर आप वहाँ पे आधार का स्टेटस जो भी आप करेक्शन वगैरह कराना चाहते हो वहाँ पर जाकर करा सकते हैं। उसके बाद जो अगला सिस्टम हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे रिट्रीव लॉस्ट फॉरगॉटन यूआईडी, यानी आपका जो आधार कार्ड अगर आपका खो गया है, आपका इनरोलमेंट से मतलब जो भी आपका आपने एप्लीकेशन नंबर जो था वो भी आपका खो गया था, कार्ड खो गया था, नंबर खो गया, तो उसको आप लॉस्ट हो गया, उसको आप रिट्रीव कैसे कर सकते हैं, उसको आप कैसे पता कर सकते हैं कि मेरा आधार कैसे है, ये भी सर्विस यहाँ से आप कर सकते हैं। ये भी बहुत बड़ी चीज़ इसमें अपडेटेड है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ईमेल और मोबाइल नंबर वेरीफाई, यहाँ से अब आप मोबाइल नंबर भी यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, ईमेल आईडी भी आप अपडेट और लिंक कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यही उठता था कि मोबाइल नंबर लिंक करने की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा थी, तो ये भी सर्विसेज में ऐड होने वाला है, इस वेबसाइट में मिलने वाला है। तो ये पहले के मुकाबले इस वेबसाइट में काफ़ी ज़्यादा आपको यूजुअल यानी आपके उपयोग में आने वाला है और इसका यूजर इंटरफेस आपको देखने में बहुत आसानी से, इसमें ज़्यादा मतलब जो भी वेबसाइट इसमें ज़्यादा लंबा यहाँ पर फीचर्स नहीं दिया गया, शॉर्टकट में मेन चीज़ आपको दिया गया है, हाईलाइट करके दिया गया प्रॉपरली। जैसे पहले वेबसाइट में काफ़ी ज़्यादा उसमें आपको देख
देखने को मिलता था, अलग अलग फंक्शन मिलता था, उस वेबसाइट के बारे में भी हम आपको यहाँ पे दिखा देंगे। उसके मुकाबले ये बहुत ज़्यादा मुझे बेटर लगा, ये मेरी ओपिनियन से। आप भी इसको अब चलाएंगे, ये जैसे फुल्ली वर्किंग हो जाएगा, अभी ये फर्स्ट ट्रायल वर्जन है, उसके बाद ये पूर्णतः जैसे वर्किंग हो जाएगा तो आपको भी इसमें काफ़ी ज़्यादा यूजफुल लगेगा, आपको आसानी रहेगी इसमें काम करने पर। अपडेट करेक्शन जो भी आपको आधार से जुड़ी सिस्टम सर्विस लेना होगा ऑनलाइन, यहाँ पर आप घर बैठे बड़ी आसानी से कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई आधार, यहाँ पे आप वेरीफाई आधार कर सकते हैं, अपना आधार वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वीआईडी जनरेट, यहाँ पे वर्चुअल आईडी आइडेंटिटी नंबर, ये होता है कि 16 डिजिट का होता है वर्चुअल नंबर होता है, जो कि ऑनलाइन जनरेट करना चाहते हैं आप, यहीं से घर बैठे ही वर्चुअल नंबर आप इससे भी जनरेट कर सकते हैं। बाकी पहले भी जनरेट वहाँ पे भी किया जाता उस वेबसाइट में और यम आधार ऐप में, लेकिन इसमें और ज़्यादा इसका यूजर इंटरफेस काफ़ी बेटर है पहले वेबसाइट के पहले के मुकाबले, और ये काफ़ी अच्छा फास्ट चलने वाला है। उसके बाद यहाँ पे लोक अनलॉक आधार कार्ड, यहाँ पे अपना जो आधार कार्ड को लॉक कर सकते हैं बायोमेट्रिक वगैरह, तो इस तरह से इसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है इस वेबसाइट में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कोई भी फालतू की चीज़ इसमें ऐड नहीं किया गया है। और इसके बाद यहाँ पे आप लॉगिन का भी ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ पे लॉगिन का, तो यहाँ लॉगिन भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे और भी जो टैब हम आपको जैसे इसमें और भी फंक्शन आने वाले, जो भी अपडेट आएगा हम आपको अगले वीडियो में अपडेट कर देंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये अपडेट आपको कैसा लगा, इस वेबसाइट के बारे में आप क्या कमेंट करना चाहते हैं, क्या सुझाव देना चाहते हैं, क्या फीडबैक देना चाहते हैं, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। उसके बाद यहाँ पर जैसे लॉगिन का सिस्टम आता है, तो यहाँ पर हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपको आधार नंबर देना होगा, उसके बाद अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा तभी आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये कैप्चा कोड करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे सेंड ओटीपी करना होगा, तो आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी जनरेट करने के बाद लॉगिन कर लेना। लेकिन फिलहाल मैंने इसमें ट्राई किया, अभी ये वेबसाइट पूर्णतः मतलब पूरी तरह से वर्क नहीं कर रही है, अभी फर्स्ट वेबसाइट है, फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया है, थोड़ा इसमें वक्त लगेगा यानी टाइम लगेगा, पूरी तरह से अभी वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि एक तरह से कोई भी वेबसाइट एप्लीकेशन होता है तो उसमें कुछ दिन ट्रायल में लग जाते हैं। उसके बाद जैसे ये इसमें फीचर्स सारे ऐड हो जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे, तो इसमें आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, यानी UIADI का है, जो कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, जो कि यहाँ पर आप आधार का लोगो भी देख सकते हैं, ये इस तरह से यहाँ पर आधार का लोगो वगैरह भी दिया गया है। उसके बाद हम आपको बता देते हैं इसका जो वेबसाइट का एड्रेस क्या है, तो सिंपल सा आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम आपको यहाँ पे आधार का अपडेट का जो भी है यहाँ पे ये आप देख पा रहे हैं, myaadhar.uidai.gov.in, ये है वेबसाइट लिंक है, यही वेबसाइट है, इसमें आप विजिट कर सकते हैं। इस वेबसाइट को आप अपने मतलब क्रोम ब्राउज़र हो या आपका लैपटॉप हो या डेस्कटॉप कंप्यूटर है, वहाँ पे आप इसको सर्च कर इस वेबसाइट को आप देख सकते हैं, और इसी वेबसाइट में फ्यूचर में आपको ये सारे फंक्शंस मिलने वाले, इसी से आप ऑनलाइन जो भी सर्विसेज हैं आप घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं, और ये काफ़ी वेबसाइट काफ़ी ईजी और फास्ट होने वाली है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना ताकि ये सभी जानकारी सभी तक आसानी से पहुंच सके। ये आधार के तरफ से बहुत बड़ा अपडेट है, नई वेबसाइट जो लॉन्च की है, इसमें आप हमें सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद यानी यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आधार एक दुनिया का सबसे बड़ा आइडेंटिटी कार्ड है भारत देश का, इसमें जो कि अब 125 करोड़ लोगों का भी आइडेंटिफिकेशन हो चुका, आधार कार्ड बन चुका, लेकिन जाहिर सी बात है सभी लोगों का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, तो अब आप घर बैठे बड़ी आसानी से ये सर्विसेज को मोबाइल से ही अपना ऑनलाइन सर्विसेज ले सकते हैं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।